Hi dear student, welcome back. This is me Shehzad and today we will discuss about daily routine. Basically it's a very important whatever just we do in this our daily life that is called daily routine. जिस भी काम को हम प्रतिदिन करते हैं वो क्या कहलाता है? डेली रूटीन कहलाता है. देखते हैं इसके पॉइंट्स कुछ हाईलाइट करते हैं आज और ये बोलने के लिए प्रैक्टिस के लिए बहुत बेहतरीन टॉपिक है. आई होप आपको अच्छा लगेगा. एंड ऑलवेज जैसे आई वो वन थिंग दिस वीडियो इज नॉट फॉर देम दोज वर नॉट इंटरेस्टेड इन इंग्लिश ओनली दिस वीडियो फॉर लैंग्वेज लवर. ओके लेट्स स्टार्ट. डेली रूटीन जिस काम को हम क्या करते हैं प्रतिदिन करते हैं वो क्या कहलाता है? डेली रूटीन कहलाता है. और इसका जो कनेक्शन होता है एक्शन से होता है. Got it? Action that means verb से होता है. जैसे यहाँ पे मैंने देख पा रहे जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घड़ी का शक्ल लेने की कोशिश किया है. डेली हर इंसान को कितना मिलता है? 24 आवर ही मिलता है. कितने घंटे मिलते हैं? चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, स्टूडेंट हो, टीचर हो, कोई भी इंसान हो, ओके सबके लिए कितना है? 24 आवर्स है. Got it? अब इसमें हम प्रतिदिन करते क्या है? सबसे पहले हम करते क्या है? कितने बजे जगते हैं? तो जगने का अंग्रेजी क्या होता है? गेट अप. ओके उसके बाद क्या करते हैं हम? इस पे हाईलाइट करें पॉइंट्स. अब उसके बाद बोलना आसान. मैं बताऊंगा कि कौन सा पैटर्न से आपको बोलना है. ओके उसके बाद क्या होता है? कुछ लोग फ्रेशन होते हैं, है ना. फ्रेशन में बहुत सारी चीजें आती है. अगर फ्रेशन से पहले हम बात करें तो क्या होता है? चीजें आती है नेचुरल कॉल्स. नेचुरल कॉल्स क्या होता है? जैसे हम लोग बोलते हैं जैसे आई गो टू टॉयलेट, आई गो टू बाथरूम, तो ये थोड़ा सुनने में अच्छा लगता नहीं है, ठीक है. नेचुरल कॉल्स क्या है? जैसे ये प्राकृतिक पुकारे. गॉट इट? तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम जगने के बाद कुछ लोग क्या करते हैं? नेचुरल कॉल्स, उसके बाद फिर फ्रेश में वो सारी चीजें आ जाती है. और क्या क्या कर सकते हैं उसके बाद? आप क्या करते हैं? स्टडी. स्टूडेंट है तो स्टडी. और क्या होता है? ब्रेकफास्ट. कुछ लोग इसको ब्रेकफास्ट बोलते हैं. ब्रेकफास्ट मुंह खोलना नहीं ज्यादा, ठीक है. ब्रेकफास्ट जैसे बोलते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसी तरह क्या बोल रहे हैं? ब्रेकफास्ट. और उसके बाद क्या करते हैं? कुछ चीजें मैं और हाईलाइट करता हूं. लंच बोल सकते हैं. उसके बाद सपर यूज करें या फिर आप डिनर. सुपर ना पढ़ के इसको क्या पढ़ेंगे? सपर पढ़ेंगे. और या क्या पढ़ेंगे? डिनर, या रात के भोजन को बोलते हैं. तो चलते थोड़ा सा कुछ और हाईलाइट करते हैं. यहाँ पे अभी हमें सेंटेंस मैंने दिखाया, जैसा यहाँ पे आई गेट अप एट 5 o'clock एंड गो फॉर मॉर्निंग वॉक. अरे असल में कितने बजे जगते हैं? 5 बजे जगता हूँ, उसके बाद मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ. ओके और मैं एक चीज बता दूं आपको, जब एग्जैक्ट आवर हो ना तभी आपको अपलोक का यूज करना है. ओके जब मिनट वाली बात नहीं रहे. गॉट इट? उसके बाद क्या अंग्रेजी होता है? आफ्टर दैट आई फिनिश द नेचुरल कॉल्स. आई फिनिश द नेचुरल कॉल्स यूज करेंगे इसको. उसके बाद क्या है? आफ्टर दैट आई फ्रेशन अप. तरोताजा होते हैं, है ना. नाउ जस्ट नो नीड टू से जस्ट आई टेक ब्रश एंड जस्ट आई वॉश माई हैंड्स एंड माई फेस, इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. फ्रेशन अप में सारी चीजें आ जाएगी. फिर उसके बाद आप क्या करते हैं ये आपको अप्लाई करना. मैं आपको बता दूं ये जितना डेली रूटीन है ना, जितना सारे सेंटेंस ये सिंपल प्रेजेंट में बनने वाला है, जैसा कि आपने पढ़ा है. सिंपल प्रेजेंट है ना, जिसका पहचान क्या होता है? तातिती होता है. गॉट इट? लेकिन ये पहला फॉर्मूला है जिसमें कोई कीवर्ड का यूज नहीं करना है. गॉट इट? अब जैसे मैं उसके कुछ लोग बोलेंगे पहले मैं मार्केट जाता हूं तो क्या बोलेंगे? आई गो टू मार्केट. अगर मार्केट से आते तो क्या बोलेगा? कम बैक फ्रॉम मार्केट. ये यूज आप कर सकते हैं. गॉट इट? अब यहाँ पे मैं नाश्ते वाली बात लिया है. आई टेक ब्रेकफास्ट एट 9:30. यहाँ पे देखिए मैं 9:30 के साथ अपलोक का यूज नहीं किया हूं. गॉट इट? क्योंकि जब एग्जैक्ट आवर होता है तभी आपको अपलोक का यूज करना है. और एक खास बात बता दूं, अंग्रेजी बोलते टाइम यू शुड नॉट यूज एएम एंड पीएम. गॉट इट? एट 9:30. अब उसके बाद क्या है? मैं हाईलाइट टू मेन चीज क्या हूं? आई टेक लंच एट 2 o'clock. आई टेक डिनर या सफर रात का भोजन को बोल सकते हैं. उसके बाद आई रिटायर टू बेड एट 10 o'clock. गॉट इट? तो यहां मैंने जगने से लेके सोने तक यूज किया है कि मैं फाइनल. कुछ लोग बोलते हैं जैसे आई गो टू बेड, या ग्रामेटिकली इतना करेक्ट नहीं माना जाता है. अब क्या बोले? जब इंसान दिन में काम करता है उसके बाद क्या फाइनली वो रिटायर हो जाता है, थक जाता है. ओके जस्ट एनीवन कैन गेट टायर्ड, सो दैट्स व्हाई जस्ट ही नीड्स जस्ट स्लीप. ओके सो ऑन दैट कंडीशन में आपको क्या यूज करना है? आई रिटायर टू बेड एट 10 o'clock.
तो यहां जगने से लेके सोने तक आप अब उसमें खुद ऐड कर सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट आप डाल सकते हैं जहां जरूरत पड़ेगी। अगर आपको कहीं लगे कि जैसे मुझे वहां पे क्या लगाना है इंपल परजेंट, ओके इसी पैटर्न में नेसेसरी प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें सब्जेक्ट आप खुद हैं आई, ओके अब जैसा वर्ब है आपको उसमें वर्ब डाल सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप करते क्या है रेडी, उसके बाद लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट दे देना है। अब कोई बताएगा जैसे सर मैं कुछ काम करता हूं तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं वर्क लगा दीजिए। कुछ बच्चा बोलेगा जैसे टीवी देखते हैं तो क्या हो जाएगा आई वॉच टीवी, कितना आवर्स टू आवर्स, तो टू आवर्स लिख दीजिए उसमें। अब कुछ बच्चा बोलेगा जैसे मैं खेलता हूँ इवनिंग में आई प्ले इन द इवनिंग विद माई फ्रेंड्स, आप इसको यूज कर सकते हैं। अब यहां पे जैसा देख रहे हैं कि जैसे जगने से लेके सोने तक आई गेट अप एट 5 o'clock एंड गो फॉर मॉर्निंग वॉक, अगर मॉर्निंग वॉक को नहीं करते क्या बोलेंगे उसको, जस्ट आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग कर सकते हैं। उसके बाद फिर फ्रेश की बात आएगी या नेचुरल कॉल्स की बात आएगी, फिर नाश्ते की बात आएगी, हाँ लंच है डिनर है, ये सारी चीजें आपको मेंशन करना है और फिर धीरे धीरे आपको क्या करना है इसी बेस पे सिंपल परजेंट को जिसको जो हाँ में है पहला फॉर्मूला में से कीवर्ड नहीं लगता है उसी में आपको बोलना है, ओके। अब यहां मैंने आपको बता दिया कि जैसे गेट अप से लेकर रिटायर टू बेड आप बीच में कुछ भी सेंटेंस एड कर सकते हैं, एटलीस्ट अगर आप 20 सेंटेंस भी अपने बारे में बोल दिए दैट विल एब्सोल्युटली ग्रेट प्रैक्टिस फॉर बीइंग इंग्लिश स्पीकर। एंड जस्ट ट्राई योरसेल्फ एंड जस्ट टेक कॉपी एंड टेक पेन एंड स्टार्ट थिंकिंग एंड स्टार्ट राइटिंग, ओके कि मुझे क्या क्या लिखना है और मैं मेरे डिलीवरी में क्या क्या मैं करता हूँ। सबका डिलीवरी डिफरेंट हो सकता है, कुछ कुछ चीजें मैंने हम जो लिया कॉमन लिया, ओके सभी सोते हैं सभी जगते हैं और सभी ब्रेकफास्ट लंच है ना डिनर ये सबका होता है, ये सारी कॉमन चीजें बताया। बाकी अगर कोई ट्यूशन जाते हैं तो आप लिख सकते हैं जैसे आई गो टू ट्यूशन, आप कौन सा टाइम में जाते हैं आप यूज कर सकते, एग्जैक्ट आवर हुआ तो आप लोग यूज करेंगे, अगर मिनट उसके साथ हुआ तो क्या करेंगे सिर्फ उसके साथ आप अपलोड का यूज नहीं करेंगे। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप देख उनको कैसे बोलते हैं और कैसे एक्सप्रेस करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस करें और नहीं होता सेल्फ प्रैक्टिस करें, लेकिन लिखना सबसे पहले बहुत जरूरी है, ओके। नाउ जस्ट यू कैन इंप्रूव योर थिंकिंग स्किल एंड इवन जस्ट यू कैन इंप्रूव योर राइटिंग स्किल्स। बेसिकली इंग्लिश में जो होता है ना चार स्किल्स होता है, जैसे मैंने कहा कि लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग एंड फिफ्थ स्किल दैट इज एक्स्ट्रा स्किल जैसे थिंकिंग स्किल्स। आप जितना सोचेंगे द मोर यू थिंक द मोर यू अप्लाई द मोर यू लर्न इंग्लिश। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, काफी हेल्पफुल हुआ होगा, आप प्रैक्टिस करें इस तरह से आप अंग्रेजी बोल सकते हैं डिलीवरी के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।